Hello learners, so today we'll discuss about PN junction diode. So what is PN junction diode? It forms the basic unit of semiconducting device and it refers to as diode because isme do terminal hote hain. First one is positive terminal and second is negative terminal. Ab ye banta kaise hai? So firstly we'll discuss about its construction. In practical way, ek PN junction diode ko banane ke liye, what we have to do, we have to take a silicon sample which is already doped with p-type impurities. And from its face of sample doped with N, and from its face we introduce a sample that is doped with N type of impurities. And this boundary of P and N region is called PN junction, as we have shown here also. So we have P and N region, and at the interface of their region, it is the boundary which is known as PN junction. And how it works? Now, as we know that when P-type semiconductor is effectively combined with N-type semiconductor, okay, so due to the difference in concentration of holes and electrons on the either side, as you all know ki n side jo hai majority ke andar kya hote hain, hamare electrons hote hain, as we have already discussed in our semiconductors. ठीक है, तो और जो हमारा p साइड होते हैं वहाँ मेजोरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं. तो हम देखेंगे जब दो रीजन को हमने कंबाइन किया है पी एन एन को पी एन जंक्शन फॉर्म करने के लिए, तो दोनों ही तरफ क्या है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द जंक्शन जो सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है वो वेरी कर रही है, वो डिफरेंट है. सो उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम द एन साइड विल मूव टू द पी साइड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. इन द सिमिलर वे जो पी में जो होल्स हैं विच आर इन मेजोरिटी, दे विल मूव फ्रॉम पी साइड टू द एन साइड वेयर दे डिफ्यूज, एंड ड्यू टू देयर डिफ्यूजन अ करंट विल फ्लो विच इज़ नोन एज डिफ्यूजन करंट. तो इसी की वजह से जो करंट फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट. एंड वन मोर थिंग दैट वी नो दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन टू द पी रीजन ऑफ द पी एन जंक्शन, हमने जैसे अभी बताया है कि जो पी रीजन से जो होल्स हैं वो कहाँ जाएंगे, एन रीजन में जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन रीजन से कहाँ जाएंगे, पी पे जाएंगे. तो इसके कारण क्या होगा, उनके पीछे क्या रह जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा एन रीजन से पी रीजन में जाके, तो उसके पीछे क्या रह जाएगा, एक आयोनाइज्ड डोनर एटम रह जाएगा. ये देखिए, जैसे यहाँ एक एटम था, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए और पी साइड भेज दिया जाए, तो यहाँ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा. एक आयोनाइज्ड एटम आपको मिलेगा हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और ये जो आयोनाइज्ड एटम है वो इमोबिल है, वो कहीं जाएंगे नहीं, वो यहीं पर एक लेयर बना लेंगे. सिमिलरली फॉर द पी रीजन ऑल्सो, जब होल्स में से हमारे जो होल्स हैं वो मूव कर रहे हैं एन साइड, तो वहाँ क्या होगा, एक नेगेटिव एक्सेप्टर टाइप जो उनसे आयनाइज एटम है वो अपनी एक लेयर बना लेंगे. और इस तरह की जो लेयर है दोनों साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर. ठीक है, तो जब ये डिप्लीशन लेयर सेटअप हो जाती है ऑन द आइदर साइड ऑफ द जंक्शन, तो क्या होता है कि ये एक फिक्टिशियस बैटरी का काम करती है. फिक्टिशियस बैटरी मीन्स, जो अगर आप पी साइड देखें तो जो नेगेटिव और एक्सेप्टर टाइप एटम्स हैं वो कलेक्ट हो गए हैं, और एंड साइड क्या है, डोनर टाइप जो से आयनाइज्ड एटम है वो कलेक्ट हो गए हैं ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन. तो इसकी वजह से एक बैटरी सेट हो जाएगी पी, उस बैटरी जिसे हम फिक्टिशियस बैटरी बोलते हैं. इट सीम्स कि इट इज़ बिहेविंग लाइक अ बैटरी. ठीक है, तो जो पी साइड है उसका वो किससे कनेक्टिव है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, और जो एन साइड है वो क्या है, पॉजिटिव उससे बैटरी से कनेक्टेड है. सो इसकी वजह से ये जो फिक्टिशियस बैटरी है, इसकी वजह से अब आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. और जब इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ देखिए, जो नेगेटिव हैं वो तो नहीं मूव करेंगे, जो लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल क्रॉस द जंक्शन, दे विल एक्सपीरियंस अ रिपल्शन फ्रॉम दिस नेगेटिव साइड. इन द सिमिलर वे यहाँ जो पॉजिटिव हैं वो क्या करेंगे, होल्स को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से वो टुवर्ड्स द जंक्शन मूव करेंगे इस तरह से यहाँ, और इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टुवर्ड्स द जंक्शन मूव करेंगे. तो पहले जो डिफ्यूजन करंट था वो किस वजह से था, मूवमेंट ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से था. लेकिन जो अब ये करंट होगा, जिसे हम ड्रिफ्ट करंट बोलेंगे, क्योंकि जो उनका इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारी बैटरी थी उसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम पी साइड, एंड जो एन साइड से क्या मूव कर रहे हैं, होल्स, यानी कि हम कह सकते हैं माइनॉरिटी चार्ज मूव कर रहे हैं. और वो जो करंट होगा इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, वो क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट होगा. अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि जो उनसे हमारा फर्स्टली जो क्या होता है कि जो ड्रिफ्ट करंट है, सॉरी जो डिफ्यूजन करंट है वो ज़्यादा होता है, लेकिन विद द टाइम जो उनसे आपका ड्रिफ्ट करंट वो बढ़ना शुरू हो जाता है. अब आपने देखा कि जो उनसे हमारी एक फिक्टिशियस बैटरी सेटअप हो गई है,
है ना, जिसमें क्या है विद पॉजिटिव टर्मिनल उसका एन साइड है और नेगेटिव पी साइड है. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ है ये क्या करेगा, एक बैरियर क्रिएट करेगा. बैरियर की वजह से क्या है कि जो फर्दर डिफ्यूजन करंट नहीं होगा, यानी अब क्या होंगे मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकते और डिफ्यूजन नहीं होगी. तो इस बैटरी के सेटअप होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा करंट होगा वो डिफ्यूजन करंट नहीं होगा, और अब जो करंट होगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, जिसे हम क्या कहते हैं ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं. और ये जो ड्रिफ्ट करंट है वो किसकी वजह से है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी साइड मूव कर रहे हैं और होल्स जो हैं वो एन साइड से मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो अब तक जो आपने पीएन जंक्शन के अंदर दो करंट्स के बारे में पढ़ लिया, एक है ड्रिफ्ट करंट एंड सेकंड वन इज डिफ्यूजन करंट. बिगनिंग में क्या होता है कि आपका डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि आपके जो स्टार्टिंग जब होती है पीएन जंक्शन की जो करंट फॉर्मेशन होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स. लेकिन जैसे जैसे आपकी मेजोरिटी चार्ज कैरियर मूव करते गए और पीछे जो उनसे हैं अपने वो इमोबिल एक्सेप्टर और डोनर टाइप एटम्स छोड़ते गए, उसकी वजह से क्या हुआ, एक बैटरी सेटअप होगी और फिर कौन सा करंट आने लगा हमारे पास, ड्रिफ्ट करंट, इस बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. और वो ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से था. लेकिन अब क्या होता है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका पीएन जंक्शन ऑपरेट होता है, उसमें के बाद क्या होता है कि जो ड्रिफ्ट करंट है वो इक्वल हो जाता है डिफ्यूजन करंट के. और जब ऐसी सिचुएशन आती है जब दोनों करंट इक्वल हो जाते हैं, उसमें जो आपका पीएन जंक्शन है वो काम करना बंद कर देता है, या हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में आ गया आपका जो सा है पीएन जंक्शन है. तो अब क्या है कि जो सी मूवमेंट है चार्ज कैरियर की, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की अक्रॉस द जंक्शन, वो ख़त्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और आपका पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है. और इस स्टेज के ऊपर जो आपकी पोटेंशियल बैरियर होता है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, दैट इज़ कॉल्ड VB. और ये VB कितनी है, 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम के लिए, और VB 0.7 है सिलिकॉन के लिए. यानी हमें कम से कम इतनी वोल्टेज प्रोवाइड करनी होगी पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए. ठीक है, अगर आप इतनी इससे कम करते हैं तो आपका जो पोटेंशियल बैरियर है वो ओवरकम नहीं होगा और जो आपका करंट है वो इंक्रीज नहीं होगा. और इसकी एक और बात है कि जो वैल्यू है पोटेंशियल बैरियर की वो बढ़ती जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर पीएन जंक्शन डायोड, कि ये वर्क कैसे करता है. ये बेसिक्स ऑफ पीएन जंक्शन था कि किस तरह से ये ऑपरेट होता है. होप यू लाइक द वीडियो, एंड फॉर फर्दर डिटेल अबाउट दिस पीएन जंक्शन यू प्लीज़ गो टू द नेक्स्ट वीडियो, इन विच मैं आपको बायसिंग और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम जहाँ. थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल साइंस एनालिटिका, एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.